Hello and welcome everyone. Welcome to a brand new vlog. So today I have decided कि दूधे जाऊंगा. गर्मी बहुत हो गई है ना पिछले कुछ दिनों में. दो तीन दिनों के अंदर ही गर्मी बहुत चढ़ गई है. तो as you might have noticed, अभी मैं टी शर्ट में ही चला रहा हूँ बस. So अभी दूधे जाना है. वहाँ पे दोस्त वोस्त आ रहे हैं. वहाँ पे जाके थोड़ा स्विमिंग विमिंग करना है बालासन खोला में. What I have decided to do now is I have decided to make a video, the entire series dedicated to exploring Mirik and nearby places. And I have already uploaded the 7th video as well, the 7th episode. So if you guys have not seen the previous videos, ऊपर जो right side में I button आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप previous videos भी देख सकते हो. Channel अभी भी नया है, नया नया शुरू किया है. अभी फिलहाल तो 150 भी मेरा subscribers नहीं है. तो आप लोगों में से जितने भी नए हो इस चैनल में या फिर देख रहे हो लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. द मोर नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस आई सी द मोर मोटिवेटेड आई गेट. मोटिवेशन होता ना एक. ठीक है, दैट बीइंग सेड लेट्स हिट द रोड्स. ये रहा हमारा पानी गोलाई गाँव. दुल्ले तो बनाया दादा. हेलो ला. अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा जगह है. दिस इज टिंगलिंग व्यू पॉइंट. और यार वहाँ पे क्यों रोकना यार. के गरे को भाई तिमी इंडिकेटर छैन. खै इंडिकेटर तेरो. एनीवेज लेट्स गेट गोइंग. अभी अभी वी क्रॉस व्यू पॉइंट. Now we are about to reach Tingling Fatak. ये है हमारा Tingling Fatak. यहाँ से राइड भी जा सकते हैं दूधे, but I don't want to do that because it's already 2:15. और अगर लेट पहुँचूँगा ना मैं दूधे तो मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा. अभी तो हम जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? बिकॉज बस नदी खेलना है इसलिए जा रहे हैं. आलस के पुजारी हैं. घर पे नहा नहीं सकते, नदी में जाके नहाना है. वाह, नहाना तो बहाना है भाइयों, हमें तो बस घूमने जाना है. चलो यार एक मिनट यहाँ पर रोकता हूँ मैं. ऊपर से ना एक छोटा सा वीडियो लिया जाए बिकॉज ऊपर वहाँ ऊपर से थोड़ा बहुत मस्त जगह दिख रहा था. नॉट श्योर यहाँ से कैसे दिख रहा है. चलो रुकते हैं 1 मिनट ओनली. ओके, Fugri Tea Estate, and then the altitude here is 3,900. And look at this. So, this is Fugri. That village over there is Fugri. चलो Fugri में छोटा सा stop हुआ खत्म. निकलते हैं यहाँ से. ये नीचे है Fugri का फैक्ट्री. एंड दिस इज मैनेजर्स बंगलो ओवर हियर. लकतारिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ओके, सो द ओनर ऑफ Fugri टी स्टेट इज लकतारिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. वन सेकेंड, ये भी Fugri है बाय द वे. जो मैंने वहाँ पे Fugri दिखाया था दैट इज़ द मेन वन. ये तो बस फाटक है, यहाँ से जा सकते हो आप. यहाँ से लेफ्ट जो रास्ता है यहाँ से जाना है. राइट साइड अगेन वंस अगेन Fugri हाई स्कूल. यहाँ से गाड़ी दूरा है 18 किलोमीटर, मतलब दूधे हो गया यहाँ से 12 किलोमीटर. सो दिस इज़ 9 नंबर, या फिर आप इसको मंजू फाटक भी बोल सकते हो. यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो फिर यू रीच मंजू एंड बुंकलुंग. हमें जाना ये सीधा नीचे है. अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ घयावारी जंगल. और जंगल आते ही यहाँ पे तो और भी गर्मी शुरू हो जाती है. नॉर्मली होता ना कि जंगलों में पेड़ पौधे की वजह से थोड़ा ठंड हो जाती है, कंपैरेटिवली कूलर.
बट थोड़ा हाइट से आ रहा हूँ ना, तो इसीलिए यहाँ तक आते आते गर्मी लग ही जाती है एंड इट्स वेरी हॉट. सो आई फील इट वुड बी नाइस प्लेइंग विद वाटर. ये वाला कर्व सेक्शन मेरे को बहुत सही लगता है, बहुत सही एज इन यहाँ से व्यू बहुत सही दिखता है नीचे. ओ नीचे तो पूरा हेज लगा हुआ है, उसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा. सो आई एम नॉट गोना स्टॉप हियर. भैया पहाड़ों में गाड़ी चलाते वक्त या फिर स्कूटी कोई भी टू व्हीलर्स राइड करते वक्त बी वेरी वेरी केयरफुल यार, बिकॉज यू नेवर नो यार. आप अपने लाइन पे चल रहे हो, जो गाड़ी नीचे से आ रही है वो कभी भी कहीं से भी आ सकती है यार. यहाँ पे दिस इज जस्ट वन लेन राइड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पे बस एक ही गाड़ी चल सकती है. दो गाड़ी के लिए आपको थोड़ा रुक के साइड करके एडजस्ट करके निकलना पड़ता है. ठीक है ओके, स्कूटी है टू व्हीलर है, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम पूरा नीचे से आते वक्त राइट साइड करके आ जाओ, गलत है ना ये. अब इसको देखो, कसम से इतना गाली देने को मन करता ना इन लोगों को. चलो यार, ये तो जो ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि ये उनका डेली रूटीन है. ठीक है, सो नो वरीज, चलता रहता है. बट इट जस्ट दैट कि आप लोगों को बोलना था कि अगर कोई आता है साइड, नॉट जस्ट साइड यार, एनी हिली एरियाज, तो थोड़ा केयरफुल होके चलना पड़ता है. नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर, कोई ना टी टीट वाला इंसान आता ही है. अब वो टी टीट इज़ नॉट गाड़ी का हॉर्न, ओके, इट्स लाइक बीप बीप. अमर का कॉल आया था, वो पहुंच गया है, ही इज़ वेटिंग. चलो, मैंने वाटर क्रॉसिंग करने के लिए ही एक वीडियो डिलीट कर दिया है यार. ये तो डीप है यार, दिस इज डीप. अच्छू यार, मेरे जूते भीग गए. दिस इज हाउ इट इज ओवर हियर करेंटली. और ये रहा अमर, डुबकी लगा चुका है ऑलरेडी. मैं भी डुबकी लगा चुका हूँ, तो बस बाहर आया हूँ ताकि छोटा सा वीडियो कर लूँ. चलो, हमारा नहाना धोना ख़त्म हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से. ये ना गाड़ी, तुझे 100% था मेरी. देखो, बाइक होने का एडवांटेज यही है, और दूसरा एडवांटेज यहाँ आगे दिख जाएगा आपको. आगे वाटर क्रॉसिंग में इसके लिए बहुत इजी है, मेरे लिए नहीं है. सो इजी फॉर हिम राइट. अब मेरी बारी है, देखो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी, बिकॉज थोड़ा डीप है यहाँ पे. सो आई डिसाइडेड कि अमर के घर जाके आज वहीं पे रहूँगा. सो आई एम नॉट रिटर्निंग बैक होम, आई एम गोइंग देयर. सो ही स्टेज इन सालबाड़ी, तो यहाँ से पानी घट्टा वगैरह होके आगे से निकलेंगे. ये है पानी घट्टा चेक पोस्ट एंड दिस इज पानी घट्टा बाजार. वो तो इजीली ओवरटेक कर गया, मेरे लिए खैर इतना इजी नहीं ओवरटेक करना, बट कर दिया मैंने अभी. उसके लिए तो यहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर्स हैं बहुत इजी है, मेरे लिए नहीं है भाई. देख कहाँ पहुँच गया वो, वाह. मैं फ़िलहाल यहीं पे. तो भाइयों, आज हम जाने वाले हैं वो जगह जहाँ पे मैं पहले कभी गया नहीं. दिस इज़ कदमा मोड़. कदमा मोड़ से लेफ्ट लेते ही हम पहुंचते हैं बागडोगरा, लेकिन आई एम गोइंग राइट.
आज जाएंगे राइट, क्योंकि वहाँ से पनडुब्बी होते हुए सिलीगुड़ी जाएंगे। टुक लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, निकलो। नक्सलबाड़ी यहाँ से 10 किलोमीटर। ये जो मैस्टिक वाला रोड है ना, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज हियर, पीपल कॉल इट इज मैस्टिक्स एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इट्स नॉट मैस्टिक्स, इट हैज टू बी समथिंग एल्स। यहाँ इस ऐसे वाले रोड पे मैं थोड़ा स्लो ही चलाता हूँ, क्योंकि छोटा टायर है तो ढंग से ना ग्रिप नहीं पकड़ता जितना ऐसे वाले रास्ते पे पकड़ता है ना। वीक ब्रिज हाँ, वीक क्यों, ये ब्रिज लग तो नहीं रहा वीक है, लिखा हुआ था वहाँ पे वीक ब्रिज। नियर साइड रास्ता बहुत ही सही है, एकदम स्मूथ, कहीं पे कोई गड्ढा वड्ढा है नहीं। द ओनली थिंग दैट विल कंट्रोल योर स्पीड इज दी स्पीड ब्रेकर, यहाँ पे आप ना चाहते हुए भी स्पीड भगा ही लेते हो। नक्सलबाड़ी लाइट हाउस, अच्छा ये नक्सलबाड़ी है, ओके कता कता जानु पर्छ, कहाँ जाने, कहाँ पानी घटा, ये तो पानी घटा तो पर छोड़ेको नि, ये तो नक्सलबाड़ी हो नि। हामी यहाँ सिधै गयो भने चाहिँ त्यो नेपाल बोर्डर पुग्छौँ, यता गयो भने चाहिँ बागडोग्रा पुग्ने रहेछ। होइन भोक लाग्यो नि, होइन अगर के खाऊँ न, पता पनि यहाँ कुन छ रास्ता यो, बट दिस अपेरेन्टली इज नक्सलबाड़ी और वहाँ पे लिखा हुआ था कि लेफ्ट लेने पे हम लोग बागडोग्रा पहुँच जाएंगे, तो वी आर लाइक चलो यहीं से चलते हैं। अगर अभी मेरे को लगता ना मैं गिर जाता वहाँ पे, आई थिंक आई वाज सेव्ड ओनली बाय अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वी हैव नाउ रीच्ड बागडोग्रा, यहाँ पे रेड लाइट पे रुके हुए, साइड से निकल गया वो करके। आई एम एट 92, आई थिंक इतना ही है इसका। रेड लाइट हो गया, रेड लाइट हो गया। ए उयो इनारू बाइकहरू, बाइकहरू होइन तिनीहरू चाप्दै थियो नि। गुवाहाटी 486 किलोमिटर्स, उही बडा मुनि बडा ल आई हैव नाउ डिसाइडेड दैट आई विल गो होम, थोड़ा बहुत काम है घर पे तो आज तो घर वापस जाना ही पड़ेगा। सो अभी हम शिव मंदिर से निकले हैं, सो वी आर गोइंग होम नाउ। अमर तो फिलहाल यहीं रहता है, ई स्टेशन सालवाड़ी, तो ये यहीं पे मैं जाऊंगा अकेले ऊपर। यहाँ पे भी 5-5 स्पीड ब्रेकर है, 6 यार, 1 2 3 4। हाय गाइस, आई हैव रीच्ड होम, 10-15 मिनट हो चुका है। आई डिड नॉट रियलाइज कि वापस आते वक्त बैटरी कब डेड हो गया, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी अंटिल नाउ। आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो हियर, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।